आओ लौट चले गांव की ओर, प्रकृति की ओर। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप लोगों को हम लिए चलते हैं बाड़मेर के पास में, जो बाटाड़ू जो गांव का बाटाड़ू जो है उसके झाक गांव का ये क्षेत्र है, जहां बकरी पालन के लिए मुख्यतः आदर्श रूप में यहाँ के जो किसान हैं वो बकरी पालन को एक संतुलित तरीके से करते हैं। यहाँ हम एक किसान के बकरी पालन की एक इकाई के ऊपर है, जहाँ वो परंपरागत तरीके से बकरी पालन को करते हैं, और हमारा उद्देश्य है आज इन किसानों के साथ इस बाइट के माध्यम से ये बताना कि वो परंपरागत तरीके के बजाय अगर आधुनिक और एक वैज्ञानिक तरीके से अगर बकरी पालन को करें तो वो अपने व्यवसाय को कैसे मुनाफे की ओर लेके जा सकते हैं। इसी क्षेत्र में हम ऐसे दो किसानों के एक स्टोरी को कैप्चर करेंगे, एक परंपरागत तरीके से कृषि को और साथ में पशुपालन और बकरी पालन को कर रहे हैं, साथ में एक वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को उपयोग में लेते हुए किस प्रकार उन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति के साथ बकरी पालन को किया है, जिसमें ना सिर्फ उनके मुनाफे में वृद्धि हुई है, साथ में उनका इनपुट कॉस्ट भी घटा है, और साथ में उनको सरकारी जो स्कीम्स है उसका भी लाभ मिला है। राजस्थान के दूसरे ऐसे प्रगतिशील किसान हैं वो, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे इस स्टोरी के बाद में। आप ये देख रहे हैं कि पूरा बिल्कुल चारों तरफ एकदम जंगल जैसा दूर दूर तक हम देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ पौधों के अलावा कोई भी और घर भी अगर नजर आएंगे तो काफी दूरी के साथ में आपको नजर आते हैं। साथ में यहाँ पर जो आंख है उसके पेड़ बहुत सारे उगे हुए हैं, कटीली झाड़ीदार पेड़ है, क्योंकि पानी की बहुत कम मात्रा है। यहाँ सिर्फ सिंगल क्रॉप ही लोग उगा पाते हैं, क्योंकि बरसात के ऊपर ही यहाँ की कृषि आधारित है, और पानी का एक समुचित उपयोग यहाँ देखने को मिला। लोग टाकों में वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उसे वर्ष भर पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। ये पानी का सदुपयोग करने का एक तरीका इनका हमें काफी अच्छा लगा। ये आप देख रहे हैं कि बकरियों को लिए चरने के लिए काफी लंबा क्षेत्र यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें ये जो बकरियां हैं ये घूमकर और चारा वगैरह यहाँ पर इस फील्ड से एकत्रित जो उगा हुआ है उस घास को खाकर ही अपना पेट भर रही है। लेकिन हम दूसरी जो इकाई है वहां आपको लेके चलेंगे, जहां पूरा का पूरा हाईटेक तरीके से उन्होंने बकरी पालन की इकाई स्थापित की हुई है। तो इसी प्रकार हम अगले चरण में आपको इसी वीडियो के दूसरे चरण में इसी गांव में हम प्रगतिशील किसान के साथ आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने एनएलएम स्कीम के साथ राजस्थान में एक 500 बकरियों की एक यूनिट स्थापित की है।